दोस्तों इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बताएंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये क्यों और कब लगता है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये ग्रहण क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों ग्रहण कुछ और नहीं बल्कि ये आकाशीय पिंड की घटना है। जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है, यानी ग्रह थोड़ा या पूरा ढक जाता है, तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन बात सूर्य ग्रहण की हो रही है तो अंग्रेजी में सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। बता दें कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर जो रोशनी आती है वह सूरज से होकर के आती है, या किसी भी ग्रह पर रोशनी सूरज से होकर के ही पहुंचती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही होती है और सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रही होती है। ऐसे में होता क्या है कि सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक आती है, उस रोशनी को पृथ्वी की चक्कर लगा रही चंद्रमा ढक लेती है। ऐसे में सूरज और पृथ्वी के बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है। इस कारण हमारी पृथ्वी पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी न पहुंच करके वह कम पहुंचती है या बिल्कुल नहीं पहुंचती है। इसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण का नाम दे दिए हुए हैं, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पार्शियल, दूसरा होता है एनुलर और तीसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। ये तीनों क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आती है तो वह सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर जाने से रोक देती है। यदि चांद सूरज की रोशनी को पूरी तरह से पृथ्वी पर जाने से रोक देती है तो उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी से सूरज की रोशनी हल्की हल्की जब जा रही होती है तो उसे एनुलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जबकि आधे से अधिक, यानी पृथ्वी से सूरज आधे से अधिक दिखाई पड़ती है, तो इस घटना को पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। अब बताते हैं कि सूर्य ग्रहण तीन टाइप के क्यों होते हैं, इसको जान लीजिए। पहले ही आपको बताया था कि चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, लेकिन चंद्रमा हमेशा मूव करती रहती है। इस कारण चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी और सूरज के बीच से दूर जाने लगती है। तब जैसे जैसे चंद्रमा मूव करती है वैसे वैसे उसकी परछाई भी मूव करती रहती है, यानी कि घूमती रहती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए चंद्रमा की परछाई भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसकी परछाई जिस देश में पड़ती है वहां सूर्य ग्रहण होता है, और चूंकि परछाई पार्शियल, एनुलर और टोटल आकार की होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि पार्शियल सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण का एक खास बात यह है कि ये जल्दी खत्म हो जाती है। जी हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकंड तक का होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। यानी आसान भाषा में समझे तो सूरज के सामने पृथ्वी जल्दी दिखने लगती है और चंद्रमा जल्दी से दूर चला जाता है। यही कारण है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की अपेक्षा कम समय का होता है। एक बात और, शायद आपने गौर किया होगा कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन ही लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर जिधर से सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उधर तो उजाला होता है, लेकिन चंद्रमा की दूसरी ओर जो होता है वह रोशनी नहीं पड़ने के कारण अंधेरा यानी काला होता है, जिसमें काला होता है। चंद्रमा का काला हिस्सा जो होता है वह पृथ्वी की ओर होता है, तब पृथ्वी पर अमावस का समय चल रहा होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस को ही लगता है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह है आंखों पर। वैसे भी सूरज को डायरेक्टली कभी नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखनी चाहिए? सूरज तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जान लीजिए, सूरज को डायरेक्टली देखने से हमारे आंखों की रेटिना जल जाती है, जो बाद में खराब हो जाती है। ऐसे में इंसान अंधा भी हो सकता है। खास तौर पर ग्रहण वाले दिन हम सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, और बिना पल के झपकाए उसे देखते रहते हैं। ऐसे में हमारी आंख खराब होने की पूरी गारंटी होती है।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।